नाव प्राथमिक विद्यालय टोडंकल खूंटी जिला से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस पर काफी बदलाव आ चुके हैं। क्लासरूम 2 है, एक ऑफिस है और एक छोटा बरामदा है। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? एक रूम में 1 से 2 को बैठाते हैं और एक रूम में 3, 4, 5 को बैठाते हैं। क्या आपके इस विद्यालय में शौचालय या बाथरूम है? जी नहीं। तो आप लोग बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं? जी बगीचा। मुख्य तो शौचालय ही कहेंगे, क्योंकि बरसात के दिन में बच्चों को और हम सभी को भी बहुत दिक्कत होता है। किसी का पेट खराब होता है तो भींग भींग के जाना होता है। बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियो के थ्रू हमारे स्कूल को फोकस किया, और जो सुविधा नहीं था वो कहीं से भी मिला, लेकिन मिला, ये सब आप ही के सहयोग की वजह से हुआ। और इसको करके मैं बहुत खुश भी हूँ। और अभी तक में क्या क्या सुविधा दिया गया है स्कूल में? अभी तो पिछला बार बेंच डेस्क नहीं था, अभी वो हम लोग को दिया गया। और स्वास्थ्य प्लस से एक शौचालय बनाया गया, और फिर महिलाओं के लिए भी अलग से शौचालय का निर्माण हो रहा है। चहारदीवारी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो भूमि विवाद है, उसको उस समस्या का समाधान करना होगा। अब तक जो भी बदलाव आ चुके हैं और इस बदलाव कार्य में जिन अधिकारियों ने अपनी योगदान दी है, उन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। और मैं उम्मीद करती हूं जो आज अधूरे कार्य जो बाकी हैं, उस पर भी अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहट के लिए। बजट में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को चाहिए रिपेयर के लिए, तो अभी तक राशि नहीं मिला है।